अत्यंत निराशाजनक और मूर्खतापूर्ण यह स्टेटमेंट है। इस प्रकार का स्टेटमेंट देकर के उन्होंने हिंदू समाज का, राम जी का, सनातन का अपमान किया है, जानबूझकर किया गया स्टेटमेंट है। शरद पवार जैसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ नेता के समक्ष किया गया स्टेटमेंट है, इसलिए इसको योजनाबद्ध तरीके से किया गया स्टेटमेंट मैं मानता हूं। चेन्नई से यह प्रारंभ हुआ है, महाराष्ट्र तक आया है। इसके अलावा भी कुछ लोगों ने रामचरितमानस के ऊपर और अन्य ग्रंथों के ऊपर टीका टिप्पणियां की है, तो ये समाज के अंदर तोड़ने का एक प्रयत्न है, समाज के अंदर को उद्वेलित करने का एक प्रयत्न है। समाज इसको समझ रहा है, समाज ही इसका जवाब इनको देगा। विश्व हिंदू परिषद ने अपने लीगल सेल से बात की है, विचार चल रहा है कि कानूनी क्या कार्यवाही इनके विरुद्ध की जाए। आज या कल में इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का काम हम करेंगे, न्यायालय लड़ाई भी इसके खिलाफ लड़ी जाएगी।